द कपिल शर्मा शो में नहीं होगा फिल्म पठान का प्रमोशन और ना ही बिग बॉस 16 में जाएंगे शाहरुख खान। और प्रमोशन ना करने की वजह जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। जी हाँ, ये हफ्ता शाहरुख खान के फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। 25 जनवरी को फिल्म पठान रिलीज हो रही है। 4 साल के बाद किंग खान एज अ लीड कैरेक्टर हमें नजर आने वाले हैं। ऐसे में फैंस का एक्साइटेड होना वाजिब है। हालांकि जो लोग फिल्म रिलीज से पहले बिग बॉस 16 और द कपिल शर्मा शो पर पठान के प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक नई अपडेट है। आपको बता देना चाहूंगा कि पठान का प्रमोशन नहीं करेंगे शाहरुख। जी हाँ, पठान इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। इसके बावजूद बॉलीवुड के बादशाह ने इसके प्रमोशन में शामिल ना होने का फैसला लिया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान बिग बॉस में पठान का प्रमोशन नहीं करने जाएंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि सलमान खान के शो पर किंग खान फिल्म पठान का प्रमोशन करते दिख सकते हैं। यही नहीं, पठान के स्टार कास्ट ने द कपिल शर्मा शो पर भी न जाने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक शाहरुख खान फिल्म के जरिए डायरेक्ट अपनी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रमोशनल इवेंट्स में न जाने को बेहतर समझा है। लेकिन आपको बता दूं कि कमाल की बात यह है कि बिना प्रमोशन के ही पठान की जबरदस्त एडवांस बुकिंग चालू है। एडवांस बुकिंग को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड की बादशाह की फिल्म पहले दिन ही 30 से 35 करोड़ की कमाई कर सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म पठान हैप्पी न्यू ईयर के पहले दिन की ही ओपनिंग डे को पछाड़ देगी। हैप्पी न्यू ईयर ने फर्स्ट डे में करीबन 36 करोड़ का बिजनेस किया था। सूत्रों के मुताबिक फिल्म लगभग 250 करोड़ रुपए की बजट में तैयार हुई है। पठान के लिए शाहरुख खान ने करीब 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा फिल्म पठान में उनका प्रॉफिट शेयर भी है। किंग खान इस मॉडल पर काम करने वाले इकलौते एक्टर नहीं है। शाहरुख खान के अलावा अक्षय कुमार, सलमान खान और आमिर खान जैसे स्टार्स भी इस मॉडल पर ही फिल्में साइन करते हैं। ये सभी स्टार्स साइनिंग फीस के अलावा फिल्म के मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी चार्ज करते हैं। अभी तक तो किंग खान लंबे समय से सिनेमाघरों से दूर चल रहे हैं, लेकिन पठान से पहले शाहरुख खान 2018 में आई फिल्म जीरो में नजर आए थे। जीरो के बाद वो ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा और रॉकेट्री जैसी फिल्मों में कैमियो के तौर पर दिखे थे। कैमियो के रोल ने किंग खान के फैंस का दिल जीत लिया। अब इंतजार है तो पठान रिलीज का। खैर, आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।